तुम्हारे घर में एसी है ना, तो इतने बदतमीजी से क्यों चलाते हो? अरे भैया, आधा से ज्यादा लोग बदतमीजी से ही चलाए जा रहे हैं एसी को। मैं भी उनमें से एक बदतमीज था। देखो भाई, मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से हो गए, आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। अभी जो आपने क्लिप देखा था वो हितेश भाई हैं, टेक्निकल दोस्त चैनल वाले, और मैं चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में आप लोग हितेश भाई से एसी के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करें। मेनली दो पॉइंट्स पर बात होगी। पहला, हमें अपना एसी कैसे चलाना चाहिए, और दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हमारा एसी हमें शारीरिक तौर पर कमजोर या फिर बीमार करने लगता है। तो चलिए अब करते हैं हितेश भाई से ज्ञान की प्राप्ति। आप एसी को 16 डिग्री पे चलाते हो या कम से कम 18 डिग्री पे चलाते हो और रात को कंबल ओढ़ के लेट जाते हो। अबे भैया, एसी टेम्परेचर बनाने के लिए, स्विट्जरलैंड बनाने के लिए नहीं है। देखो भाई, आप लोगों से सविनय निवेदन ये है कि आप अपने एसी को 24 डिग्री टेम्परेचर पर ही चलाएं। कसम खा लो अपनी गर्लफ्रेंड की, अपने बॉयफ्रेंड की, कि 24 डिग्री पर ही चलाना है। इसे 24 डिग्री पर चलाने का क्या फायदा है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा कि आपका जो सालाना जो बिजली की बचत है वो 4000 रुपए तक बचेगी। 4000 बहुत होते हैं। अब आप कहोगे, ओ तू घना उच्चार बनना है, चलाए ना तो और बिजली बच जाएगी। ना ना ना, चलाओ, गर्मी में थोड़ी मनना है, लेकिन ठंड में भी तो नहीं मनना। तो ऐसे में यदि आप एसी को 18, 16, 17 पे चलाते हैं तो एसी बस आपको ठंड लगाता है, आपका टेम्परेचर से ज्यादा कम टेम्परेचर हो जाता है। देखो, एसी को इसलिए बनाया गया वातानुकूलित एयर कंडीशन कि आपके जो कमरे का टेम्परेचर है या जिस भी जगह आपने लगाया उसका टेम्परेचर ऐसा हो जाए कि आपको गर्मी ना लगे, ठंड भी ना लगनी चाहिए ना। ठंड लगने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिजली का बिल तो भर भर के आ रहा है भैया। बीईई ने जो भी नए एसी हैं उनको डिफॉल्ट टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस कर दिया। आपने देखा ना, एसी को जब आप बंद करके चलाते हो, आपने किसी भी डिग्री पे उसको करके छोड़ा था, वो 24 पे आ जाता है कि हम तो भैया 24 पे चलेंगे, हमसे सरकार ने कहा है, बंद करो, चालू करो, कुछ भी करो, वो 24 डिग्री डिफॉल्ट होता है। जो लगाने वाला भी, आप उससे पूछेंगे, वो भी 24 डिग्री सेल्सियस को बोल के जाता है। तो 24 डिग्री का सबसे पहला फायदा तो ये है कि 4000 आपका सालाना पैसे बच रहे हैं, देश की बिजली बच रही है, और आपको नहीं चिंता बिजली की, आपको नहीं है कि हाँ मैं अंदर ससरे को। तो एक चीज और बताता हूं, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग ने रिसर्च किया कि जो लोग 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे का एसी चला के उसमें पड़े रहते हैं ना, उनको सांस की बीमारी, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, ऐसी बीमारियां होने की ज्यादा संभावना रहती है। तो कम से कम अपने आप को तो बचा लो, बिजली को ना बचाओ तो। देखो भाई, 24 डिग्री पर आपको गर्मी मिल लगेगी, आपको ठंड मिल लगेगी, और उससे कम करोगे तो बिजली ज्यादा फूकेगी। अब कुछ लोग कहेंगे, यार 24 डिग्री पे फिर तो ज्यादा टाइम लगेगा कमरे को ठंडा होने में। नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है। जो कंप्रेसर है वो कमरे को चेक करता है कि हमें ये कितनी गर्म है, कितना ठंडा है, और जब आपका कमरा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है या स्लो हो जाता है। कई तरह के डिफरेंट एसी होते हैं, लेकिन यदि आप 18 या 16 पे बिल्कुल कम करके चलते हो तो वो चले ही जाता है। कमरा ठंडा हो गया, वो चले ही जा रहा है, उसे बंद होने का आपने कहा ही नहीं है कि भैया तू चले ही जा, हमें ठंड लगे, चाहे हम कुड़क जाए, चाहे हमारी आइसक्रीम बन जाए। ना, आपने चलाने को छोड़ दिया। लेकिन 24 डिग्री इज अ थिंग कि जब आप कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तब वो बंद हो जाता है, और साथ में सीलिंग फैन भी चलाओ ना भाई, ताकि और कमरा ठंडक हो सके, वो जो भी ठंडी हवा है वो चारों तरफ फैल सके। तो ऐसे आप करेंगे तो बिजली का बिल भी बचेगा और खुद भी सुरक्षित रहोगे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो उम्मीद करता हूँ कि हितेश भाई की बताई हुई बातें भी आपने बहुत ध्यान से सुनी होंगी। हालांकि ये सब बातें मैं आपको अपने चैनल पर बताता ही रहता हूँ, लेकिन हितेश भाई का अंदाज कुछ अलग है, तो सोचा कि हितेश भाई के अंदाज में ही आपको समझाया जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो के माध्यम से मैं टेक्निकल दोस्त चैनल के होस्ट हितेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे परमिशन दी अपना ये वीडियो एमब्लॉग्स चैनल के ऊपर यूज करने के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।